दिन भर में दिखी, एक बड़ी मूव दिखी, और लेकिन अब फर्दर रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है? राजेश, एक बार आप रिलायंस के चार्ट चेक करके बताएं, क्या ये तेजी जो एक मोमेंटम है ये जारी रह सकता है, या फिर एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? तो कोइंसिडेंटली ये स्टॉक बाय रिकमेंडेशन में भी है मेरी, और रिलायंस पे व्यू पॉजिटिव है। और जिस तरीके से आज रिलायंस ने एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखाया, ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक में आज मोमेंटम बने, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 2440 तक की अपसाइड के टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये पुल बैक में। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब यहाँ पे 2340 के आसपास, तो रिलायंस पे बाय करने की सलाह है। का पहला रेकमेंडेशन भी हुआ, और भी स्टॉक्स बता दें आपके रडार पर जो हैं। दूसरा स्टॉक है HDFC लिमिटेड का। स्टॉक में काफी अच्छे बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बने हुए पिछले कुछ हफ्तों से देखे तो स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा था। और अब जिस तरीके से डेली चार्ट पे यहाँ पे प्राइस एक्शन बने, हमें लगता है HDFC लिमिटेड यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप पे। 2765 2780 तक के अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 2675 का। और तीसरा स्टॉक होगा जो कि एक क्लियरली विनर है लार्ज कैप स्पेस में, ITC। जिस तरीके से स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को एंजॉय करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है ITC में जो मोमेंटम आज बना है ये यहाँ से स्टॉक को 405 410 की तरफ लेके जा सकता है। तो ITC पे बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 377 के आसपास। शेयर्स इस वक्त राजेश की अजी की तरफ से, और ITC पर भी खरीदारी की कॉल, और वहीं रिलायंस में जो तेजी है, तेजी और ज्यादा बिल्टअप होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन आइए